नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक समाचार से। आज स्टेट समाचार की टीम एमए स्टेडियम के बिल्कुल बाहर है और आज स्टेट समाचार का जो कार्यक्रम चल रहा है, तिरंगा अभियान चल रहा है, हर दिल में तिरंगा होना चाहिए ऐसा प्रयास चल रहा है। ये जो कार्यक्रम लगातार चल रहा है, हर चौक चौराहे में करने की कोशिश है, तो आज एमए स्टेडियम के बाहर आप देखें कि हम तैयार हैं। 2 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पीछे आप व्यवस्था देखें, यहाँ पर पूरी तरह से स्टेट समाचार की टीम जो है वो तैयार है। स्टिकर यहाँ पर अभी से लगाना, अभी कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ है और हमारे नरेश जी देखें यहाँ पर स्टिकर लगा। नरेश जी कैसा लग रहा है? तो बहुत मजा आ रहा है दीपक जी। आज आप पहली बार, ये आरएसपुरा से हैं हमारे सहयोगी, आज ये पहली बार यहाँ पर आए हैं, मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अपने साथ अपने भाई को भी लाया हूँ, जी भी आरएसपुरा से है। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। स्टेट समाचार की टीम जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे एक और सहयोगी, इनको दिखाओ। ये देखो, आप अपना नाम बता दो दर्शकों को। मेरा नाम भूपिंदर शर्मा। भूपिंदर शर्मा है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर हमारा ही चेहरा जो है वो फील्ड पर आपको कैमरे पर दिखता होगा, लेकिन स्टेट समाचार की जो टीम है वो अंदर जो बैठ कर कार्य करती है, ऑफिस के अंदर जो प्रिंटिंग का काम, जो कवर बनाने का, अखबार बनाने का काम करते हैं, उनमें भूपिंदर जी भी शामिल है। मुस्कुराहट देंगे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग सब देश की एकता में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। जहाँ की जैसे कि जो हमारा तिरंगा का अभियान जो चल रहा है, तो उसमें पूरे जहाँ जहाँ भी हमारे स्टेट समाचार के ऑफिस है वहाँ पे सब जगह पे तिरंगा लगाया जा रहा है। स्कूल में जाते थे बचपन में, वहाँ जाके स्क्वाड में पार्टिसिपेट करते थे, या फिर कोई आइटम सॉन्ग में कर लेते थे, ये सब चीजें, तब बड़ा मजा आता था। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये चीजें थोड़ी दूर छोड़ती जाती है। अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से बचपन की यादें जो वो फिर से ताजा हो चुकी हैं और एक बार हमें फिर से एक मौका मिल रहा है कि हम अपने तिरंगे को शान से लहरा सकें और लोगों को यहाँ पर स्टिकर लगा सकें। स्कॉर स्कूल करते थे? नहीं, बिल्कुल करते थे। देखो पुरानी सारी बातें जो है वो याद हो रही है। ये देखें, सबसे छोटे हमारी टीम के सबसे छोटे सदस्य हैं ये, वो प्रसन्नता देखें, इनको तो अपना बचपन, अपना स्कूल याद आ गया है। दर्शन, दर्शन जी नाम है इनका। दर्शन जी कैसा लग रहा है? देश प्रेम किसको अच्छा नहीं लगेगा है? ये तो एक जज्बे की बात है। स्कूल वाले दिन याद आते नहीं? हाँ क्यों नहीं, जब हम छोटे होते थे तो फ्लैग लेके चलते थे, परेड होती थी उसमें हिस्सा लेते थे, पर आज ये स्टिकर लगाने का मन में अजीब ही फीलिंग हो रही है। देशभक्ति है, आर्मी वाले आ रहे हैं वो ले रहे हैं, बच्चे मांग रहे हैं, दो लोग लेके गए हैं, बोले अपने गेट पे लगाएंगे, एक बोला मैं दुकान पे लगाऊंगा, ठीक है, सब लोग लेके जा रहे हैं, एक जज्बा है। इस स्टिकर की अपनी ही एक शान है। ये देखो, जो भी गाड़ी पे लगाता है, बाइक पे लगाता है, तो ऐसा अनुभव होता है, उसे देखने के बाद सुकून ही मिलता है। एक आदमी स्टिकर लगाया बाहर, वो कहता है कि बाहर खराब हो जाएगा, मुझे एक दो में अंदर लगाऊंगा, अंदर से लगाऊंगा टेप से, ये खराब नहीं होना चाहिए, सालों तक रुकना चाहिए जी, ये सम्मान है, ठीक है, ये जज्बा है। ये स्टेट टाइम की, स्टेट समाचार की एक मुहिम है। सबको 2 बजे कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, लोगों को इन्विटेशन दे दो। हाँ, मैं सबको, जम्मू वासियों को, सबको बोलता हूँ, खास करके जम्मू के जितने पत्रकार को बोलता हूँ, हमारे साथ आइए, जुड़िए, आप तिरंगे लगाइए, देश को तिरंगे में, तिरंगे रंग दो, तिरंगे में रंग दो, मजा आ जाएगा। तो हमने कहा था सबसे छोटे हैं हमारी स्टेट समाचार की टीम में, सबसे छोटे हैं ये, और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं तो आनंद ही आया था। तो हमारी तरफ से आप सबको इन्विटेशन है, समझ लें कि आपको इन्विटेशन है, निमंत्रण है कि कृपया एमएस स्टेडियम के बाहर आए, अपनी गाड़ी लेकर स्टिकर लगवाएं, आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़े और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दे इजाजत, नमस्कार।